हम तो काफी भीग गए हैं। अच्छा तो साहब नाम क्या है आपका? वाह, लोगों ने सारी प्लानिंग करके आज बाटी चोखा। लिट्टी खाओगे? बाहर बरसात हो रहा है, हम लोग लिट्टी खा रहे हैं। बोलिए, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। जैसा कि थंबनेल देखकर को पता चलेगा कि आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है, चलते हैं हम। रंजीत कुमार ने मुझे फ़ोन किया, भैया चले आइए मंदिर पर, आज वहाँ पे जो है कुछ विशेष प्रसाद बनने की आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी लोग मित्र मंडली हमारी है, और मित्र मंडली में आइए, प्रसाद लीजिए, भोजन प्रसाद। तो अभी हम चलते हैं, समय हो गया लगभग 8:30, हाँ लगभग 8:30 9 बज रहा है। बोला है भाई को, रंजीत को ले लीजिए, चलना है चौराहे पर। चौराहे पर जाएंगे, चौराहे पर से रंजीत को उठाऊंगा, क्योंकि बाहर जो है बरसात, आज कल हाँ लगभग कल से बरसात हो रही है, लगातार बरसात हो रही है। खेतों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य भगवान कर रहे हैं ना, बरसात जो हो रही है, क्योंकि हमारे खेत में भी तैयार खेत वाली वीडियो आपने देखा था ना कि खेत में क्या क्या हुआ था, तो खेत में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। अगर खेत वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर के देख लीजिएगा। पहले रंजीत को चढ़ाई पर लेंगे, तब जा करके हम चलेंगे राम जानकी मंदिर। बचले वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। कल से बरसात चालू हुआ है, अभी तक बरसात ही बरसात हो रही है, देख रहे हो ना मंदिर पे। देखो ये है मंदिर अपना, जहाँ पे हर साल मैं आता हूँ हर वर्ष, जहाँ पर। चलिए अंदर चलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं भंडारी लोग से। रंजीत और मैं दोनों लोग आए हैं गाड़ी से, हम तो काफ़ी भीग गए हैं, बारिश ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस बारिश में बाटी चोखा का आनंद तो आता ही है ना। रंजीत कुमार साथ में इसको घर वहाँ से दिया हूँ, घर से उठाया हूँ, हल्का फुल्का भीगे क्योंकि पीछे बैठा था। तो चलिए चलते हैं जहाँ पे बना है बाटी चोखा, देखते हैं बड़े बेहद इंतजार से। आज बाटी चोखा श्री राम जानकी मंदिर पर बना है, तो आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहे बाटी चोखा का आनंद लेने के लिए। अरे क्या बना रहे हो आज? लिट्टी चोखा। ये रहे भंडारी, ये रहे अमन कुमार जी, बड़े इंतजार कर रहे थे इनका। ओरिजिनल भंडारी यही है। क्या क्या बनाया है ये आज? बाटी चोखा दाल। क्या क्या बनाया आज कुमार? लिट्टी चोखा दाल। अच्छा तुम क्या बनाए भाई? भाई बिहारी का मशहूर लिट्टी चोखा दाल, ये देखिए आप लिट्टी का। अच्छा लिट्टी ये कौन? वाह ये तो देसी लिट्टी। नीचे को नीचे रखो, नीचे रखो दोस्तों, देखो ये देसी लिट्टी, वाह। अच्छा ये इसमें कुछ पड़ा हुआ है अंदर की, ऐसे ही है? नहीं नहीं, सादा लिट्टी है। सादा लिट्टी है, नेचुरल एकदम, नेचुरल, कोई मिलावट नहीं। और देखिए मंदिर में पत्तल भी आया है, गिलास भी, और चिली, चिली बोलते हैं ना, ग्रीन चिली। और ये क्या है जी? आर्टिफिशियल आलू। तो ये रहा, और अब चलते हैं अंदर, एक भंडारी और है। ये हमारा दाल तैयार हो रहा है ना? दाल में तड़का लगे नहीं लगेगा? लगेगा। कौन किस चीज़ का तड़का है? घी। किस चीज़ का तड़का है? घी का है। हैं? देसी घी है। देसी घी का? टमाटर है। हैं? कहाँ है टमाटर? कहाँ है? अरे टमाटर कहाँ है जी? अच्छा वो कहा कि तड़का लगेगा, कहाँ पे है टमाटर घी? ये बनवाई जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। ये जो भी प्रोग्राम है, मेरे बदल हुआ है। अच्छा अच्छा ये सब हराम। अच्छा तो साहब नाम क्या है आपका? कुमार गुप्ता है। हैं और बड़बड़ी भाई, सब प्लानिंग किसके साथ हुआ भाई? प्लानिंग अमन गुप्ता और बड़बड़ी के साथ हुआ। ये है बड़बड़ी जी। यही बड़बड़ी जी, यानी कि एक बड़बड़ी, एक दो बड़बड़ी, दो दो बड़बड़ी है। कोई चार्टर रहता है तो इनका बराबर सहयोग रहता है। हैं अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कोई कार्यक्रम में तो सहयोग इनके ज्यादा रहता है। आज की प्लानिंग किसने किया? आज का प्लान इसने किया, भी बनाया मैंने। वाह वाह, तो अमन कुमार ये सही कर रहे हैं, ये बनाए हैं, बोला है कि बनाए हैं अमन कुमार। ये कह रहा है कि हम जो हम नहीं बनाए वो बनाए हैं। क्या कह रहे हो? वो लिट्टी बनाया है वो। कौन कौन? अच्छा हाई जो है ये लिट्टी बनाया है। बढ़िया बढ़िया, सचिन कुमार क्या किए हो? ये है? ये झाड़ू लगाया। अच्छा साफ सफाई का काम किए हो। लोगों ने सारी प्लानिंग करके आज बाटी चोखा कि मंदिर पर लोग बनाए। चलिए हमारे साथ आप लोग खाइए और खाने का भी आनंद लीजिए। बिछाओ जल्दी बिछाओ। वाह वाह क्या बात है, चढ़ा मित ले लिया, वाह क्या बात है। महाराज जी भी इस लिट्टी चोखा में निमंत्रित हैं, लिट्टी चोखा का आनंद लेंगे, है ना। राज्य अंदर भगवान जी को प्रसाद पवा रहे हैं, इंतजार करता हूँ
आते हैं किस रास्ते से, उधर से ही आएंगे, उधर से वो रास्ता है अंदर से आने के लिए। जय जय श्री राम महाराज जी। आज बाटी चोखा में आप भी निमंत्रित हैं, है ना? तो चलिए आइए बाटी चोखा में आनंद लीजिए आप भी हमारे साथ। चलो अमन कुमार, वाह क्या बात है। खूब गार दो, खूब बढ़िया गार दीजिए, सिंपल गार दीजिए। अभी अभी नहीं, लाल बनी तो डाल 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 मच्छर अभी। देखिए राजेश का मसाला है, अभी आप इसका टेस्ट देखेंगे। थोड़ा बचा दो, थोड़ा बचा दो। दाल भाई तैयार हो गया है, थोड़ा पक जाने बढ़िया से। इतने जल्दी भूख आ गए हैं बिना, अभी तक जल्दी नहीं था, जल्दी हो गया। अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, सबकी तरफ से बना है। ये मेहनत लड़का ज्यादा मेहनत किया, ये लड़का इसने टमाटर और मिर्चा काटा, घी का काम भी किया, तो मैंने तड़का दिया है अच्छे से, है ना? कमेंट में जरूर बताइए तड़का कैसे दिया जाता है। लिट्टी चोखा जो है आपने देखा बना है, अब गया है मंदिर में अंदर भगवान को भोग लगने के लिए। भोग लगने के बाद जब आएगा तब हम लोग प्रसाद को पाएंगे, है ना? तो चलते हैं वहां पर। शर्मा जी आइए 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 जल्दी आइए। ये रहा भोग का प्रसाद, लिट्टी क्या बात है, लिट्टी कुछ कह रहा है, देख रहे हैं आप? लिट्टी कुछ कह रहा है, देखिए ये देखिए कुछ इसमें चित्र जो कर रहे हैं, देखिए लिट्टी कुछ कह रहा है, है ना? लिट्टी खाओगे? हाँ क्या बात है। अरे महाराज जी कब आएंगे जी? अभी नहीं पाएंगे, आपको फोटो मिल गया।
हो गया हम लोगों को लिट्टी चोखा प्रसाद खूब अच्छे से पा चुके और अमन कुमार एक गाना गाने जा कौन सा गाना गाओगे? अरे वो बोलते हैं लिट्टी चोखा वा बनल वा बड़े मजेदार। अरे गाओ तब तो उधर ना देखो उधर कमाई लिट्टी चोखावा बनल बाया बड़े मजेदार जे खाई नहीं पछताई मोरे क्या बात है मंदिर में जे खाई नहीं ते पछताई ना वाह 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 क्या बात है। ए रंजीत इधर 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 आई देखा तुम्हारे भैया ने गाना गाया कौन सा गाना गाया तुम बताओ एक बार। लिट्टी चोखा बनल वा बड़ा मजेदार आज का लिट्टी चोखा हम लोगों ने बहुत प्यार से खाया बहुत ही शानदार था। मंदिर में जो भी प्रसाद बनता है वो बहुत शानदार लगता है और आज की वीडियो देख रहे हो मौसम बरसात यहाँ हो रहा है बाहर बरसात हो रहा है हम लोग लिट्टी खा रहे हैं। बोलिए जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो अभी तक आपने वीडियो देखा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो बाकी बहुत ही पसंद आई होगी और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को आप पे शेयर करिए जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सत श्री अकाल शब्बा खैर। तो साथ में हमको चलना पड़ेगा हाँ चलो देख लो दोस्तों देखो देखो बरसात हो रही जा रहे हैं सभी लोग है ना। ये है लिट्टी चोखा का आनंद देहाती आनंद हमारी बाइकियाँ यहाँ पे हम चलते हैं। अब मैं भी चलता हूँ खा करके सोने।